This is the view. गाड़ी को स्वच्छ रखने में हमारी सहायता करें। फाइनली हम लोग उस ट्रेन में हम लोग कुछ जगह भी मिल गए हैं और तीन दरवाजे के सामने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं, काफी फॉग है तो जिसके कारण सबसे विजिबल नहीं है, बट हाँ बहुत दिन बाद इतना जर्नी करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सब चीज सिखाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना क्या खर्चा है, सब चीज़ आप लोग को बताते हैं, ताकि आप लोग भी अगर ट्रैवल करें तो आप लोग को भी उसका सुविधा हो। तो तब तक के लिए आप लोगों को बाहर का व्यू एंजॉय करिए। थोड़ा बहुत ठंडा है, ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा है, बट हाँ अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद इतना सुबह सुबह मॉर्निंग को निकलना, ट्रेन जर्नी एंड ये कोविड सिचुएशन में तो बाहर निकलना ही नामुमकिन था, तो ऐसे अचानक से निकलना, ये सडन प्लान और क्यों ये प्लान बना, सब चीज़ आप लोग वहाँ जाके पता चलेगा। तो देखते रहिए और बने रहिए। पहुंच गए दीघा और
काफ़ी हेक्टिक था जर्नी, इसीलिए ट्रेन जर्नी ज़्यादा शेयर नहीं किया। और जस्ट कुछ ही देर हुआ हम लोग अपने होटल में भी घुस गए, और अभी जा रहे हैं हम लोग कुछ नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज तक हम लोग कुछ खाए नहीं थे। थोड़ा बहुत घर से बना हुआ थोड़ा बहुत जो था वो खाए हैं, एंड लंच भी हम लोग सोच रहे हैं बनवाना है। एंड क्यों हम लोग आज अचानक से ये प्लान बना है वो तो आप लोग को डेफिनेटली पता चलेगा थोड़ा देर में, कुछ सरप्राइज है। तो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए, और आप लोग भी हम लोग के साथ घूमिए, देखिए कैसा लगता है। फाइनली दिस इज द व्यू, ये हम लोग का होटल से काफ़ी नज़दीक है, एंड शाम को तो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे तो आप लोग के संग शेयर करेंगे। एंड जल्दी जल्दी मैं अभी क्योंकि खाना बनाने देने जाना है तो ग्लास लेने भी भूल गए। तो एनीवेज अभी तो फिलहाल काफ़ी खाली है ये रास्ता, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, इधर समुंदर है, यहाँ से वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज देखते हैं क्या बनाते हैं। एक्चुअली धीरज अभी साथ में नहीं है इसीलिए बता देते हैं, आज का प्लान ये है, इट्स बर्थडे टुमारो, सो यस आई एम प्लानिंग समथिंग डिफरेंट, एंड उसका कुछ हम लोगों का ही कुछ फ्रेंड लोग आया हुआ है तो हम लोग सबको मिलके उसको सरप्राइज करने का सोच रही हूँ। आई जस्ट कैन गेट ओवर इट, वाओ, सोचे नहीं थे एक्चुअली इतना जल्दी जल्दी हम लोग ये प्लान बना लेंगे और आ जाएंगे, और आने के बाद दिस इज लाइक ऑसम, जस्ट ऑसम, इट फील्स सो गुड। आप लोग भी एंजॉय करिए हम लोग के साथ, और बने रहिए, देखते रहिए, आगे आगे बहुत कुछ शेयर करना है, रूम डेकोरेशन भी शेयर करेंगे, सब चीज़ शेयर करेंगे, तो ज़रूर से आगे भी देखते रहिए। अभी हम लोग आ पहुँचे बाज़ार की तरफ, और बाज़ार से नॉनवेज खरीद के हम लोग को खाना बनाने देना है, तो दिखाते हैं आप लोग को यहाँ का बाज़ार जहाँ से हम लोग नॉनवेज लेने वाले हैं, एंड हो सकता है हम लोग राइस और फिश चिकन ये सब कुछ बनाए, तो देखते हैं बाजार में भी क्या मिलता है, चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, सनसेट एक्चुअली हो गया है, एंड सनसेट नहीं देख पाने का वजह ये है कि आज काफ़ी टायर्ड थे हम लोग, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए थे ये पूरा जर्नी से, तो हम लोग नहीं देख पाए आज का सनसेट, बट डेफिनेटली हम लोग कल सनराइज सनसेट दोनों ही देखने का सोचे हैं, प्लान किए हैं, आई होप कि हम लोग देखेंगे। सो अभी निकलते हैं, अभी आप लोग को दिखाते हैं रात का नज़ारा, बस अभी ऑलमोस्ट निकल गए, तो आई नीड टू वेयर माई मास्क, जल्दी से मास्क पहन लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग बढ़ रहे थे बीच की तरफ,
और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, बल्कि कैलकाटा में मेरे को इससे ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो जो भी हो, क्योंकि ये सी बीच एरिया है तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा तो लगता नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली जब बीच के समुंदर के सामने बैठे रहेंगे तो हो सकता है ठंडा लगे। अभी एज आई सेड अर्लियर कि हम लोग का होटल थोड़ा सा भीतर में है, तो यहाँ तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, बट ओल्ड दीघा न्यू दीघा जहाँ पे जो बीच का जो एकदम मेन स्पॉट है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम लोग बेसिकली जा रहे हैं न्यू दीघा में, एंड हम लोग हैं ओल्ड दीघा में। हम लोग को कुछ सामान लेना है जिसके कारण हम लोग वहाँ अभी जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या मिलता है। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, एंड दिखाती हूँ आप लोग को सब खाना कर। फाइनली हम लोग आ पहुँचे बीच एरिया में। सुबह का आप लोग को हम उधर से दिखाए थे, और अभी यहाँ से जाके फिर हम लोग समुंदर देखेंगे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं इवनिंग टाइम में कैसे लगता है दीघा। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, एंड झालमुड़ी चाय आइसक्रीम फुचका ये सब दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं थोड़ा थोड़ा दूरी में। एंड समुंदर वो दिखाते आप लोग को रात का समुंदर का व्यू। आई डोंट नो कितना विजिबिलिटी है क्योंकि ऑब्वियसली रात है, एंड क्योंकि हम मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो शायद अभी उतना विजिबल नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा लहर आ रहा है तो समझ में आ रहा है वाइट वाला। एंड वहाँ पे भी नीचे आने लोग बैठे हैं बहुत लोग। पानी उतना ज़्यादा इस बार नहीं है इस टाइम पे फिलहाल, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पानी हम देखे काफ़ी टाइम हुआ है इस जगह तक आ गया है। तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्विमिंग पूल है गर्मी लग रहा है, जैकेट पहनना तो धूप का बात है, ऐसा लग रहा है समर सॉक्स पहन के घूम के निकले, बट जब यहाँ आए तो कम से कम ठंडा है। और अभी हम लोग खड़े हैं एक बहुत फेमस बिरयानी दुकान के सामने, तो लेट मी जस्ट शो यू केजीएन बिरयानी। बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो अगर आप लोग को बिरयानी खाना हो तो आप ये वाला डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग का खाना बना हुआ है तो बिरयानी तो आज